वैश्य समाज की ओर से आज जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। समाज के प्रतिनिधियों ने प्रदर्शन कर अजमेर एसपी को ज्ञापन देकर भाजपा से निष्कासित पार्षद और उनके बेटे के खिलाफ दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी करने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। वैश्य समाज के प्रतिनिधि दिनेश खंडेलवाल ने बताया कि समाज के एक प्रतिनिधि की जमीन पर भूमाफियाओं के द्वारा अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही थी, जिसकी सूचना पर वह मौके पर पहुंचे तो वहां नगर निगम की जेईएन जेसीबी के जरिए दीवार तोड़ रही थी। 2014 में दीवार का निर्माण करवाया गया था, लेकिन स्थानीय पार्षद के द्वारा इस जमीन पर नजर लगा रखी थी। पीड़ित से 50 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। मना करने पर जबरदस्ती कर परेशान किया गया। बाद में उनके साथ हाथापाई कर जान से मारने की कोशिश भी की गई। इस दौरान निगम के कर्मचारी भी शामिल थे। बाद में समाज के प्रतिनिधि के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवाई गई। शनिवार छुट्टी के दिन निगम अधिकारी के द्वारा मिली भगत कर दबाव बनाने का काम किया गया। वैश्य समाज के द्वारा इसका विरोध जताया गया है। अजमेर एसपी को ज्ञापन देकर मामले में निष्पक्ष जाँच की मांग की गयी है। बताया कि अभी परसों के दिन जो है हमारे समाज बंधु दिनेश खंडेलवाल पुत्र स्वर्गीय शंकरलाल जी खंडेलवाल, जिनकी पैतृक जमीन वहाँ पे 1973 से है, अपने अरावली विहार के अंदर 84 आवास रोड के ऊपर लगभग 1.25 बीघा करीब जमीन है, और उसके ऊपर जो है वो वहाँ के जो स्थानीय लोग है वो भूमाफिया जो है वो नजर गड़ा के बैठे हुए। पहले भी इन्होंने अतिक्रमण किया था और ज्यादा अतिक्रमण करने के लिए और जमीन को हथियाने के लिए वो वहाँ पे प्रयासरत थे। जब ये बात उनको पता चली कि वहां पर कुछ ऐसी कार्रवाई हो रही है जो संदिग्ध कार्रवाई है, जब ये वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि निगम की जो जेईएन है वो वहां पर मौजूद थी, निगम की कुछ कर्मचारी और निगम की जेसीबी वहां पर मौजूद थी, और साथ ही वहां का जो है स्थानीय पार्षद भी वहां पर मौजूद थे। जबकि आप देखिए शनिवार का दिन था, और उन्होंने क्या करा, वहां पर जाके निगम की जेसीबी से जो इनकी जमीन जो इनकी दीवार बनी हुई थी पहले से 2014 में जो दीवार बनी हुई थी उस दीवार को तोड़ा। तोड़ने के बाद में नाले के अंदर उस दीवार का मलबा डाला और इनको ये कहा कि आपने जो ये मलबा नाले के अंदर डाल के इसको अवरोध किया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार की कोई बात नहीं थी। 2014 में जो है वो दीवार बनी हुई थी और उनके पास इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग है जो दीवार इन्होंने वहां बनाई थी सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि पहले से ही ये काम हो रहा था कि वो भूमाफिया जो जमीन के ऊपर नजर गड़ाए बैठा था। जब इन्होंने उसका विरोध किया तो उन्होंने कहा या तो हमको 50 लाख रुपए दो तब तो हम आप इस जमीन को छोड़ देंगे, और नहीं तो फिर ये जमीन हमारे को बेच दो। ये बेचारा जो है कमजोर परिवार है, हमारे समाज का कमजोर परिवार है, घबरा गया जब इसने वहाँ विरोध किया तो उन सब लोगों ने मिलकर इसके साथ मारपिटाई करी, इसको जान से मारने की धमकी दी। आप देख सकते हैं अभी कुछ समय पहले रूपनगढ़ का एक कांड हुआ था, उसका नाम लिया इन्होंने कि रूपनगढ़ के हत्याकांड जैसा तेरा हाल कर देंगे, तेरे को जीने नहीं देंगे, तेरे को मार देंगे। ये वैश्य समाज का जो है बंधु है, और वैश्य समाज ऐसी अवैध गतिविधियों को ऐसी धमकियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप इसको बिल्कुल अकेला ना समझे। जो इसकी पैतृक जमीन है 1973 से जमीन है, वाजिब इसके पेपर है, आप देख सकते हैं इसके पूरा का पूरा ये चैन जो है वो लेके आया हुआ है, और उसके अंदर साफ साफ दिखा हुआ है कि कौन सी जो नाले की जमीन है कौन सी इसकी खुद की जमीन है। हाईकोर्ट से जीता हुआ है, एडीए से केस जीता हुआ है, और इसको बकायदा जो है क्लीन चिट मिली हुई है इस जमीन के अधिकार क्षेत्र को लेकर। उसके बावजूद भी भूमाफियाओं द्वारा भूमाफिया वहाँ के स्थानीय पार्षद है वीरेंद्र वालिया जी है, उनके सपूत अमित वालिया है, पुनीत वालिया है, ऐसे जो लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। और मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि निगम के जो अधिकारी है वो किस हैसियत से वहाँ पे गए थे? अगर उनको दीवार तोड़नी थी, उनको ये पता था वो अतिक्रमण है, तो उनको नोटिस देना चाहिए था। 3 दिन का नोटिस देते आप वहाँ पे जाते हो, और ऐसी भी क्या जल्दबाजी की शनिवार के दिन आप जेसीबी लेके पहुंच जाते हो, आप किसी की भी जमीन पर जैसे